वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और एफओएन एमसीक्यूज में आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नेम है कम्युनिकेशन। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये आप ही की कोर्स के यूनिट से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। इस यूनिट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जो कि आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फीलिंग, इमोशन एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन की डिफिनीशन है। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है। ए ऑप्शन हमारे पास है टू इन्फ्लुएंस अदर, बी ऑप्शन हमारे पास है टू गेन इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बोथ, के कम्युनिकेशन के हमारे पास क्या है, ये दोनों पर्पस हमारे पास कम्युनिकेशन के हैं। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि देयर आर हाउ मैनी कॉम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के हमारे पास कितने कॉम्पोनेंट्स हैं, उनके नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी, फाइव, के हमारे पास फाइव कॉम्पोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हैं कि अ मीडियम इन अ कम्युनिकेशन थ्रू विच अ मैसेज इज सेंट आर रिसीव्ड बिटवीन टू आर मोर पीपल इज कॉल्ड, कि कम्युनिकेशन का मीडियम जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर होते हैं लोगों के दरमियान, उसको कहते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। कि आप कौन सा मीडियम यूज करते हैं, आप कौन सा चैनल यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन है बी। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि वाइल सेलेक्टिंग चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन सेवरल फैक्टर दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट टेक इन कंसिडरेशन आर, कि जब भी आप चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्ट करते हैं वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से फैक्टर हैं, जिस जो आपने क्या करना है, उनका ख्याल रखना होगा। पर्पज आपके पास, टाइप्स ऑफ रिसीवर, कम्युनिकेशन स्किल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव, कि ये वो तमाम हमारे पास क्या है कि फैक्टर हैं जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्ट करने के दौरान आपने इनका क्या करना होगा, इन कंसंट्रेशन आपने लाना होगा। सिक्स नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि टच सेंसेशंस एंड थेरेप्यूटिक टच दैट आर यूज एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉल्ड, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, टेक्टाइल चैनल। ये हमारे पास टेक्टाइल चैनल के, जब आपके पास टच सेंसेशन या थेरेप्यूटिक टच आपके पास यूज हो। सेवंथ नंबर एमसीक्यूज हैं कि एन इंडिविजुअल आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंटेंडेड टू रिसीव एंड इंटरप्रेट द मैसेज सेंड बाय सेंडर एंड सोर्स ऑफ मैसेज आर कॉल्ड, कि वो पर्सन जो आपके साथ आपके पास मैसेज को रिसीव करता है उसको रिसीवर भी कहते हैं, डिकोडर भी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन, बोथ, कि वो हमारे पास रिसीवर भी होता है या डिकोडर भी होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन आती है। एट नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट शो रिसीवर हैज अंडरस्टूड द प्राइमरी मैसेज सेंड बाय द सेंडर एंड द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नाउ कंसीडर कंप्लीट इज कॉल्ड, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, फीडबैक। कि जब भी आपको कम्युनिकेशन का फीडबैक मिले, उसका रिजल्ट आपको मिले, उसका रिस्पांस मिले, तब आप कहेंगे कि हाँ मेरा जो मैसेज कन्वे हुआ था वो आपके पास वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हाँ अगर फीडबैक अच्छा नहीं मिलता तो आपके मैसेज कन्वे में कोई प्रॉब्लम है। तो एट नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है फीडबैक। नाइन नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन मस्ट बी ब्लैंक वेयर द सेंडर सेंड द मैसेज एंड रिसीव फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, सही है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, टू वे प्रोसेस, कि हमारे पास सक्सेसफुल कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है जिसमें सेंडर मैसेज देता है, रिसीवर मैसेज को रिसीव करके फीडबैक देता है, और ये एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है हमारे पास। तो नाइन नंबर एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन है बी।
10 नंबर एमसीक्यूज हैं कि स्पोकन मैसेज नीड टू बी एल्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद बिहेवियर क्यूज फ्रॉम द रिसीवर इज कॉल्ड एडाप्टेबिलिटी। बी ऑप्शन करेक्ट है कि रिसीवर के बिहेवियर के मुताबिक जब आप अपने मैसेज को चेंज करते हो, उसमें चेंजेस लेकर आते हो, तो इसको कहते हैं एडाप्टेबिलिटी। तो 10th नंबर एमसीक्यूज में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। 11 नंबर एमसीक्यूज है कि अ कम्युनिकेशन दैट इंक्लूड होल रेंज ऑफ बॉडी मूवमेंट पोस्चर गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। तो 11 नंबर एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, के जब आप अपने पोस्चर बॉडी मूवमेंट गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन के अलावा जो है आप कोई मैसेज कम्युनिकेट, मतलब इनके थ्रू आप मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, बॉडी मूवमेंट पोस्चर इनके थ्रू, तो इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 12 नंबर एमसीक्यूज है कि अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। कि जब आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट, जिस तरह कोई आपके पास मोबाइल फोन हो गया, टेलीफोन वगैरह हो, जब उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसको कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। तो 12 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। 13 नंबर एमसीक्यूज है कि ब्लैंक अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट अकर विद इन एन इंडिविजुअल दैट इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ टॉक, इनर थॉट एंड इनर डायलॉग। कि वो कम्युनिकेशन जो एक इंडिविजुअल के अंदर होता है, जिसको इनर डायलॉग, इनर थॉट या सेल्फ टॉक कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, कि इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को कहते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। 14 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द नर्स डायरेक्ट द कम्युनिकेशन टुवर्ड द पेशेंट टू आइडेंटिफाई हिज करंट हेल्थ प्रॉब्लम, प्लान, इंप्लीमेंट एंड इवैल्यूएशन द एक्शन टेकन इज कॉल्ड। सी ऑप्शन क्या है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। कि वो कम्युनिकेशन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपने पेशेंट के साथ यूज करता है, जिसका मकसद पेशेंट की केयर होता है, तो उस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को कहते हैं थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 15 नंबर एमसीक्यूज जो लास्ट एमसीक्यूज है इस जो लेक्चर का, के ब्लैंक मस्ट बी डन फॉर ईच मेडिकेशन ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप हॉस्पिटल में कोई भी मेडिसिन, कोई भी प्रोसीजर करेंगे, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए लाजमी है। तो 15 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। तो ये कम्युनिकेशन जो इंतहाई ईजी लेक्चर है, उसके एमसीक्यूज हैं। इसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, और इसी तरह बाकी सब्जेक्ट भी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, जितने भी आप नर्सिंग और एलाइट हेल्थ साइंसेज में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके वीडियोस, लेक्चर और एमसीक्यूज ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को। ओके, थैंक यू।